पार्क सोसाइटी में हमारे एक नया पार्क ओपन हुआ है जिसकी आज ही इफ्तिताह है। हम आज आए हैं अपनी सोसाइटी के पार्क और हमें हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी। यहाँ पे हमारी पूरी सोसाइटी मुझे मिल गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से, मेरी सोसाइटी के लोगों से मुलाकात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा और अपनी फैमिली के साथ मैं आई हुई हूँ आज यहाँ पे पार्क। ये पार्क बिल्कुल हमारी सोसाइटी में था ही नहीं और ये आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, आज इसका इफ्तिताह हुआ है। ये बहुत खुशी हमारे सोसाइटी के लोगों को हो रही है कि हमारी सोसाइटी में भी एक अच्छा सा, खूबसूरत सा, साफ सुथरा पार्क खुल चुका है जहाँ पे हम अपने बच्चों को जब दिल चाहे लेके आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, खुली फिजा में सांस ले सकते हैं। जंपिंग कासिल आप देख रहे होंगे, बच्चे इसमें कितना एक्साइटेड हो रहे हैं, कितना खुशी खुशी इसके अंदर जंप कर रहे हैं, बल्कि इतनी लंबी कोई लाइन यहाँ पे लगी हुई है जंपिंग कासिल के आसपास के यहाँ पे जो है वो टिकट भी है और जो है वो बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं। छोटे बड़े बच्चों को एक साथ नहीं भेजा जा सकता, तो पहले छोटे बच्चे गए हैं, इसके बाद फिर सेकेंड थर्ड शिफ्ट चल रही है। हमें अभी आए हुए 15 ही मिनट हुए हैं और ये तीसरी शिफ्ट यहाँ पर चल रही है और अब ये बच्चे बाहर आएंगे तो अब जो है वो इससे थोड़े बड़े बच्चे जाएंगे। इस तरह थोड़े थोड़े करके शिफ्ट चल रही हैं इनकी। डिफरेंट किस्म के यहाँ पे झूले जो हैं वो लगाए गए हैं, साफ सुथरा पार्क बनाया गया है हमारी अपनी सोसाइटी में जिसकी हो रही है हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी। मौसम भी बहुत बेहतरीन खुशगवार हुआ हुआ है, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट। पार्क बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है, ये सामने मस्जिद भी नजर आ रही है। टाइम इस वक्त यहाँ पे हुआ है तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है, पार्क बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये पार्क हमारी सोसाइटी में पहली मरतबा बनाया गया है। कभी भी हमारी सोसाइटी में पार्क नहीं था और हम लोगों को पार्क के मज़े लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, तो अब हमारी अपनी ही सोसाइटी में इतना खूबसूरत सा पार्क बन गया है तो अब हम जो है वो शाम को यहीं पे आ जाया करेंगे। आज इसका इफ्तिताह है, ज़्यादातर मोहल्ले की लेडीज यहीं पे मौजूद हैं इस वक्त और सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे पार्क का इफ्तिताह 14 अगस्त को होना था लेकिन ये 4 दिन पहले ही इफ्तिताह आज हो गया है। 14 अगस्त का आपको ये पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आ रहा होगा, तो हमने यही सुना था कि 14 अगस्त को पार्क का इफ्तिताह है हमारे सोसाइटी के न्यू पार्क का, लेकिन ये इफ्तिताह 4 दिन पहले ही हो गया है। अब आप देखिए, हमारे साथ इंजॉय कीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारी सोसाइटी का पार्क हमेशा ऐसे ही साफ़ सुथरा और आबाद रहे। और कराची का मौसम भी ऐसा ही खूबसूरत रहे। अभी पिछले दिनों शदीद गर्मी हमने भुगती है, यहाँ पे बहुत शदीद तरीन गर्मी थी और अब अल्लाह के हुक्म से इतना कोई अच्छा शानदार मौसम हो गया है कि दिल चाह रहा है कि बस अब सारा साल मौसम ऐसा ही रहे और हम इसी तरह पार खाते रहें और इंजॉय करते रहें और अपने फैमिली के लोगों से मिलते रहें, उनसे मुलाकात करते रहें।